Good morning student, my name is Palav and welcome to my YouTube channel. So students, previous videos में हमने digestion and absorption life process cover कब करी थी and next हमने respiratory pathway cover करा था. आज हम cover करेंगे third life process and the name of that life process is body fluid and circulation. In this topic we will discuss about the types of body fluids which is present in our body. Second one, how our heart works. That's mean the cardiac cycle, how your hearts work with the different chambers and how is their functionality, what's its anatomy, ये हम सब डिटेल में कवर अप करेंगे. बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा थोड़ा ब्रॉड है, सो इसलिए मैंने इसको टू पार्ट्स में कवर अप करा है. आज की वीडियो में हम जो है वो सिर्फ डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूड्स, टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूड्स, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, and how we can recognize या how we can differentiate between the different types of blood groups. So let us start the topic. Okay, first of all that body fluids क्या होते हैं. body fluids जो होंगे वो ऐसे fluids आएंगे जो आपके body में various materials को transport करने में help करेंगे. क्योंकि आपके बॉडी में काफ़ी तरह के फूड सब्सटेंसेस होते हैं, आप फूड इनटेक करते हैं तो उसमें काफ़ी तरह के विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स होते हैं जिन्हें हमने मैंने बताया था कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में कि उन्हें कैसे ब्रेक डाउन करा जाता है, किन्हें एब्जॉर्ब करा जाता है, कैसे उन्हें एसिमिलेट करा जाता है. आफ्टर दैट अब जो भी आपका प्रोडक्ट बचा, ठीक है, उसे कैसे वेरियस ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, तो यही बॉडी फ्लूड्स उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे. मेनली जो हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूड्स क्या रहते हैं, एक आता है ब्लड, क्लियर, एंड सेकेंड वन इज द लिम्फ, क्लियर. सो जो लिम्फ होता है वो भी एक कलरलेस ही फ्लूड है, बट वो क्या करता है, लिम्फेटिक वेसल्स या कैपिलरीज के थ्रू जो होता है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करेगा. उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं रहेंगे, जबकि जो ब्लड होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेंगे, सो दैट एक्सेसिव ब्लड लॉस आपकी बॉडी से ना हो. नेक्स्टली ये आता है हमारे पास कि जो लिम्फ होता है वो आपके जो इंटेस्टिनल वॉल थे, मैंने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में लेयर्स बताई थी, सरोसा, मस्कुलारिस, सब मिकोजा एंड म्यूकोजा. तो वहाँ पे जो सब मिकोजा एंड म्यूकोजा है वहाँ पे इंटेस्टिनल विली होती है, ठीक है, वहाँ पे लैक्टियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते, तो वहाँ पे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज का रोल प्ले करा जाता है. सो अब हम डिटेल पे पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्पोजिशन रहता है, ठीक है, और कैसे कैसे ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा बॉडी फ्लूड, दैट इज फर्स्ट इज ब्लड. और जो ब्लड है, ठीक है, वो दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट. प्लाज्मा क्या रहता है, ये एक तरह का विस्कस फ्लूड है जो आपकी बॉडी में मेन रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन करने में. अब इसका क्या क्या कॉम्पोजिशन रहता है, इसमें सबसे पहले तो 92% वाटर प्रेजेंट होगा. आपको पता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो एक मीडियम तो चाहिए, तो वाटर तो होगा ही होगा, क्लियर. बाकी इसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स कितने परसेंट होते हैं, 6-8%. इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ये सब प्रोटीन्स हैं, ठीक है. ये क्या क्या काम करते हैं, जो फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है, ये आपके बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में या किसी भी तरह की इंजरी हो गई है या किसी भी तरह का कट लग गया है, तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोथ्रॉम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, ठीक है. प्रोथ्रॉम्बिन जो होगा वो कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में. यही थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में. अब यही जो फाइब्रिन्स होते हैं ये आपके कट वाले सेक्शन में या इंजर्ड पोर्शन में सबसे पहले सॉफ्ट क्लॉट बनाएंगे. क्या बनाएंगे, सॉफ्ट क्लॉट बनाएंगे. जैसे ही वो सॉफ्ट क्लॉट जो होगा वो हवा के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो ब्लैक क्लॉट या ब्राउनिश कलर के क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. आपने देखा भी होगा जैसे ना कभी खेलते खेलते आपको चोट लग गई हो, ठीक है, ब्लड निकल रहा, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्राउन कलर का ना एक क्लॉट बन जाता है, सो दैट एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो. वो जो ब्राउन कलर का क्लॉट है, ठीक है, वो यही फाइब्रिनोजन बनाते हैं. पर फाइब्रिनोजन सीधे कन्वर्ट नहीं होता है, सबसे पहले क्या रहता है कि आप ही के ब्लड में जो आपके प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा. वही थ्रोम्बिन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और यही फाइब्रिन सबसे पहले सॉफ्ट क्लॉट बनाएंगे और वही सॉफ्ट क्लॉट हवा के कॉन्टेक्ट में आके क्या बना देगा, हार्ड कलर का ब्राउनिश
क्लॉट, सो दैट आपका ब्लड जो है वो वहीं पे एक थक्का सा बना दे, ठीक है, और ज़्यादा लॉस ना हो। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में हेल्प आउट करता है। समटाइम्स क्या रहता है कि किसी भी तरह का, मान लीजिए कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पैथोजन एंटर कर गया है, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, वो जो स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, वो जो इन्फ्लेमेशन होता है वो ग्लोबुलिन से ही होगा, क्लियर। और जो एल्ब्यूमिन होता है वो आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा ये? ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, जो भी आयंस होंगे उनका ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा। नेक्स्ट आता है, और क्या होता है प्लाज्मा में? सोडियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होंगे, साथ ही साथ प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, एंड लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसको पूरा कॉम्पोजिशन रहता है और ये ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। तो हमारा जो ब्लड है उसमें 55% आपका प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में आपका 90-92% क्या रहेंगे, वाटर रहेगा, सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहेंगे, प्रोटीन्स रहेंगे, जिसको मैंने आपको बताया फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, कुछ आयंस रहेंगे, ठीक है, और कुछ आपके कॉम्प्लेक्स क्या रहेंगे, सब्सटेंसेस रहेंगे लाइक अमाइनो एसिड्स, वो तो सिंपल में आ गया, ठीक है, तो ग्लूकोज आ गया, लिपिड्स आ गया, ये भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो 3 parts में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उन्हें हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स वैसे मैंने बता ही दिया कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करेंगे, साथ ही साथ क्या रहता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी यही बूस्टअप करते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है, एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स क्या रहते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सबसे पहले कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का। ये कितने होते हैं, अगर हम एक एडल्ट मैन की बात करें तो इसमें ये 5 से 5.5 million होंगे पर मिलीमीटर क्यूब के लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी आपका हम बोल सकते मैटर है जो आपकी बॉडी में, तो उसमें अगर हम देखें तो रेड ब्लड सेल कितने होते हैं, 5 से 5.5 million। जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका कलर रेड होता है, क्यों, क्योंकि उनमें क्या रहता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, एंड द नेम ऑफ दैट पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। अब वो जो हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का पिगमेंट, जिसमें मेन आयन होता है आयरन, ठीक है, ये आपकी बॉडी में जो होता है वो 14-15 grams, कुछ बुक्स में 15-16 mm जो होता है इसका, जो mg जो होता है, ठीक है, वो इसका परसेंटेज या बोल सकते हैं इसका अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो कितना रहता है, 14-16 mg की रेंज में ये आपके रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है ल्यूकोसाइट्स, क्लियर। ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, ठीक है, इससे पहले एक और चीज आती है एरिथ्रोसाइट्स की। देखिए जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका मेन रोल तो ट्रांसपोर्टेशन में रहता ही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, जो भी आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी डाइजेशन में, ऑक्सीडेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड थर्ड जो इनका इंपॉर्टेंट रोल जो आता है वो आता है रेस्पिरेशन में। मैंने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि कैसे जो आपके ऑक्सीजन होते हैं उसे हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है टिश्यूज में, और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर किया जाता है एल्वियोलाई को। नेक्स्ट आता है आपके ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं व्हाइट ब्लड सेल, उन्हें फर्दर 2 parts में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज ग्रैनुलोसाइट्स एंड द सेकेंड वन इज अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब क्या रहेगा कि उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एंड अग्रैनुलोसाइट्स उनमें किसी भी तरह के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। फर्दर जो आपके ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो 3 parts में डिवाइड है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। जो आपके न्यूट्रोफिल्स रहते हैं उनमें किसी भी तरह के ग्रैन्यूल्स या स्टेन्स प्रेजेंट नहीं होती है, वो न्यूट्रल है, क्लियर। और ये जो होते हैं कितना परसेंट बनाते हैं, ये 60% पोर्शन जो है वो आपके ब्लड का बनाएंगे। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का काम करेंगे कि आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पैथोजन एंटर कर जाता है या किसी भी तरह का कोई एंटीजन आपकी बॉडी में किसी तरह का फॉरेन रिएक्शन करता है, तो यही न्यूट्रोफिल्स उस एंटीजन को किल करने में, आपकी बॉडी को ये बताने में कि आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पैथोजन एंटर कर गया है, उसे कैसे फाइट करना है, या वो खुद उस पर क्या करेगा, फाइट करेगा और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये एक तरह से इम्यूनिटी रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स की तरह ये काम करते हैं।
नेक्स्ट आता है आपके बिज इजनोफिल। इजनोफिल क्या होते हैं, इनमें इओजिन ग्रैन्यूल इओजिन स्टेन होती है, इसलिए इसको बोला गया है इजनोफिल। तो यहाँ पे इओजिन स्टेट रहेगी। इजनोफिल का काम क्या रहता है, ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से अगर आपको किसी सब्सटेंस से एलर्जी है तो वो उस एलर्जिक रिएक्शन की तरफ रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट आता है बेजोफिल। बेजोफिल्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, मैंने ठीक है इसमें बताया था। तो इन्फ्लेमेशन क्या देगी, ब्लड वेसल्स को डायलेट करा जाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सेसिव ब्लड सप्लाई होता है वहाँ पे, तो जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड सप्लाई होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडिश पोर्शन वो हो जाता है। तो इसमें हेल्प करता है बेजोफिल, 0.5% की रेंज में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आता है एग्रेनुलोसाइट, जिसमें आते हैं आपके लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। देखिए मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स का काम वैसे एक ही होता है, ये एक तरह से क्या करते हैं, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रिस्पांस का हेल्प करेंगे, या हम बोल सकते हैं ये आपकी बॉडी को एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स हो या मोनोसाइट्स हो, ये आपकी बॉडी में डिफेंस का काम करेंगे कि कोई भी फॉरेन पैथोजन फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर जाए तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छा खाना खाइए ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो। आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, कि यही न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का जो रेंज है वो आपकी बॉडी में ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप जल्दी बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप कहीं भी जाते हैं और किसी भी तरह के बैक्टीरियल या वायरल के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये क्या करेंगे, उसे किल कर देंगे। क्लियर, आपकी बॉडी के किसी भी सेल को जो है ये अफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपकी बॉडी को उससे क्या करेंगे, बचाएंगे। तो ये एक तरह से डिफेंसिव फॉर्म में काम करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये आपके दो तरह के होंगे, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट क्यों कहा गया, क्योंकि टी मतलब थाइमस, जो आपके हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर होते हैं ये थाइमस, ये भी क्या करते हैं आपकी बॉडी में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं। और बी सेल्स जो होते हैं ये आपके बोन मैरो में बनते हैं, जो फर्दर काफी तरह के रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। बी सेल्स आपकी बॉडी में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, आपकी बॉडी में IgA, ठीक है, कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती है, IgA, IgD, IgE, ठीक है, IgG एंड IgM, ये जो है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं। समटाइम क्या रहता है कि आप किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के या वायरल्स के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, या तो अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो आपके बॉडी में खुद ही उस एंटीजन को मारने के लिए प्रोटीन्स बन जाएंगे, एंटीबॉडीज रिलीज कर देंगे ये, ठीक है। IgA है तो मदर के बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा से ये रिलीज करता है। IgD जो होता है ये एलर्जी के लिए, IgE इन्फ्लेमेशन के लिए, ठीक है, IgG जो होता है ये भी आपको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है बाय मदर्स के मिल्क से। याद रखना है ये प्लेसेंटा से है और ये मदर के मिल्क से है। और IgM जो होता है सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, जब भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एनकाउंटर करेगा सबसे पहले अटैक यही करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो डेकामर के फॉर्म में होते हैं, ये ऐसे सारे ये जो भी कोई एंटीजन होगा इसको चारों तरफ से कवरअप कर लेंगे, ठीक है। फिर इसकी मेम्ब्रेन को पहले एनालाइज करेंगे, अच्छे इसकी मेम्ब्रेन कैसी है, फिर इसके मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे पोरिन सीक्रेट करेंगे, वहां पे पोरिन से जो वाटर बहुत ज्यादा जगह स्वेलिंग करते हुए एंटीजन बर्स्ट हो जाएगा। तो यही काम होता है एंटीबॉडीज का। लेकिन मान लीजिए कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है और आपकी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज नहीं कर रही है उस एंटीजन को मारने के लिए, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिखता है, आप जैसे ही वो एंटीबायोटिक इनटेक करते हैं और उसके लिए वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। इज इट क्लियर, ठीक है। टी सेल्स का काम क्या होता है, ये जो होते हैं आपके फोर टाइप्स के आएंगे। सबसे पहले आता है टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी मेमोरी सेल। जो टी हेल्पर सेल्स जो होंगे, ये जो थाइमस में बन रहे हैं, टी जो हेल्पर सेल्स होंगे सबसे पहले ये रेकोगनाइज करते हैं किसी भी फॉरेन एंटीजन को, फिर इसके बाद उस पर ये साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी करेंगे, फॉरिन
सिक्रेट करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था, छोटे छोटे पोर सिक्रेट कर देंगे, फिर उसके बाद उसको किल करेंगे एंड आफ्टर दैट उसको याद रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी अगर वो वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो वो पहचान जाएंगे, ओके फर्स्ट टाइम ये आया था तो मैंने उसको कैसे मारा था। सेकेंड टाइम वो क्या कर लेंगे, जल्दी उस पर रिस्पॉन्ड देंगे क्योंकि उनको पता है कि अच्छा इसकी मेम्ब्रेन कैसी है तो उस पर एक्ट करना ईजी होगा। फर्स्ट एनकाउंटर में तो क्या रहता है कि बेटा इन सेल्स को पहले पहचानना पड़ता है कि वो एंटीजन है कैसा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप किसी पर्सन से, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट टाइम आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, क्लियर, तो पहले आप उसको जानोगे पहचानोगे, आफ्टर दैट आप उसके साथ जो है वो रिलेशन बिल्डअप करोगे। बट मान लीजिए अगर आप उसी पर्सन से सेकेंड टाइम मिलेंगे तो आपको उससे अपनी बातें शेयर करना ईजी हो जाता है, क्यों, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रहता है कि अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडीज उसको पहले पहचान जाएंगे, ये हेल्पर सेल्स उसको पहले पहचान जाएंगे, अच्छा ये पहले भी आया था, ये ऐसे ऐसे मिलकर बना है तो मुझे पता है इसको कैसे मारना, तो वो डायरेक्ट वो मेथड अप्लाई करेगा, उसको पहले समझेगा नहीं। ठीक है, तो यही रहता है टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। आफ्टर दैट क्या रहता है हमारे प्लस ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं वो फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स रहेंगे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, अब क्या रहता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आपको याद होना बहुत जरूरी है। ए का एंटीबॉडी रहता है एंटी बी, मतलब ऑपोजिट। एंटीबॉडी हमेशा याद रखना है कि जैसे ए का ऑपोजिट रहेगा बी, बी का एंटीबॉडी रहेगा उल्टा, मतलब ए। ओ का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ओ का होता है ए और बी दोनों। एंटीजन के केस में सेम, याद रखना है एंटीबॉडी हमेशा ब्लड ग्रुप से ऑपोजिट होंगे और एंटीजन सेम होगा। जैसे ए का एंटीजन ए ही रहेगा लेकिन एंटीबॉडी बी हो जाएगा, बी का एंटीजन बी ही रहेगा लेकिन एंटीबॉडी उसका ए हो जाएगा, क्लियर। ओ का एंटीजन ए बी और ओ का एंटीजन कोई भी नहीं होगा, ए बी का एंटीजन होगा ए और बी। आफ्टर दैट ए, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन है तो उसको खून कौन कौन दे सकता है, तो उसको ए ब्लड ग्रुप वाला ओ वाला दे सकता है, बी को बी और ओ वाला दे सकता है, ए बी को ए बी ए बी ओ, तो ये चारों दे सकते हैं और ओ को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे सकता है, क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, किस तरीके से जो होता है आपका हार्ट काम करता है और ब्लड को पंप करता है आपके वेरियस बॉडी ऑर्गन्स में, कार्डिक साइकिल कैसे काम करती है और ईसीजी कैसे काम करता है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो एंड यू वांट टू नो द कंटेंट इन डिटेल, सो प्लीज जस्ट लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।